व्यक्ति को उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल उसके भाग्य के रूप में मिलता है। अच्छे कर्मों से अच्छा और बुरे कर्मों से बुरा भाग्य बनता है। पर ज्योतिष में कुछ विशेष उपायों को अजमाकर व्यक्ति अपने भाग्य में कुछ हद तक परिवर्तन कर सकता है, पर पूरी तरह से भाग्य बदलना यह तो केवल ईश्वर कृपा से ही संभव हो सकता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हरि कृपा में। विवाह के बाद हर लड़के और उसके माता पिता की यही इच्छा होती है कि उनकी लड़की ससुराल में खुश रहे, उसे ससुराल में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके घर में सुख शांति रहे, उसके ससुराल के सभी सदस्यों से अच्छे संबंध बने, उसे दाम्पत्य जीवन का सुख मिल सके। अगर आप भी विवाह के पश्चात ससुराल में सुखी रहना चाहती हैं, दाम्पत्य जीवन का सुख भोगना चाहती हैं, तो आज मैं जो 3 उपाय बताने वाला हूं, इन्हें अजमाएं। यह आपके भाग्य को पूरी तरह तो नहीं बदल सकते, पर आपकी समस्या का निराकरण अवश्य कर देंगे। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें। हम ऐसी ही उपयोगी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखें, बात कर लेते हैं उपायों की। उपाय नंबर 1, साबुत काले उड़द में हरी मेहंदी को मिलाकर जिस दिशा में वरवधु का घर हो उस तरफ फेंक दें। इस उपाय को करने से दोनों के बीच प्रेम बढ़ जाएगा और दोनों खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। उपाय नंबर 2, अगर लड़की 7 साबुत हल्दी की गांठें, एक छोटा सा पीतल का टुकड़ा, थोड़ा सा गुड़ लेकर इन्हें जिस दिशा में ससुराल हो उस दिशा में फेंक दे तो उस लड़की को ससुराल में सुख मिलता है। उपाय नंबर 3, विवाह के पश्चात जब कन्या विदा हो रही हो उस समय एक लोटे में गंगा जल, थोड़ी सी हल्दी और एक पीला सिक्का लेकर कन्या के सिर के ऊपर से 7 बार उसार कर कन्या के आगे फेंक दें, उसका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।